सो गाइस मैं आज आप सभी के लिए ले रहा हूँ डीपी कॉन्सेप्ट। तो गाइस इसके लिए हम सीधा वीडियो को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इससे चलते हैं पहले एड फोटो में देख गए। हम पहले अपने मॉडल का पीएनजी लेंगे, ठीक है गाइस। मैंने मॉडल का बैकग्राउंड पहले से रेस कर रखा है, जिसको बैकग्राउंड रेस करना नहीं आता मैंने उसके बाद प्रॉपर दो वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जाओ सिंपली जाकर बैकग्राउंड को रेस करो। एंड गाइस मैं अपने मॉडल को लिया एंड सिंपली मैं अपने मॉडल को इस तरीके से ऐड करूंगा, ठीक है। एंड उसके बाद गाइज मैं से फिट ऐड करने के बाद गाइज हम जाएंगे ब्यूटी वाले ऑप्शन में, ठीक है। ब्यूटी वाले ऑप्शन जाने के बाद आई कलर में जाएंगे गाइज, ठीक है। आइस कलर में जाने के बाद गाइज ये थोड़ी मतलब नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो गाइज थोड़ा लोडिंग ले रहा है। तो गाइज पहले हम जाएंगे हमें आई कलर सेलेक्ट करना है गाइज, ये व्हाइट वाला, ठीक है। एंड उसका इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी बढ़ानी है, ठीक है। एंड एक बार हमें ऐसे टैप करना है, जूम करके फिर दोबारा आई के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपने आप से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। एंड उसका इरेजर टूल में जाके जो गाइज बाहर बाहर का हिस्सा मतलब एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको हम इरेज करेंगे सिंपल इस तरीके से गाइज, जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो गाइज मैं हम दूसरे वाले को भी कर लेते हैं इसी तरीके से। तो पहले ऐसे एक बार डन करेंगे एंड गाइज उसके बाद जूम करेंगे एंड गाइज उसके बाद टैप करेंगे एंड गाइज आई को एकदम सिलेक्ट करेंगे गाइज, एकदम परफेक्ट लगेंगे। एंड गाइज जाएंगे रिजर टूल में एंड गाइज एक्स्ट्रा पार्ट क्रिएट करेंगे सिंपली, ठीक है। एंड गाइज ये आई हमारी एकदम परफेक्ट लग चुकी है, ठीक है। एंड उसके बाद हम सिंपली करेंगे इसे डन, ठीक है। एंड उसके बाद गाइज आप सभी को करना क्या है, यहाँ से टाइप कर देना एंड गाइज उसके बाद जाना आपको ऐड फोटो में गाइज, एक पार्टिकुलर पीएनजी लेना है गाइज, ठीक है। हम ऐड फोटो में चलते गाइज। एंड गाइज मैं जितने बैकग्राउंड पीएनजी को मैं यूज कर रहा हूँ सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप गाइज सिंपली डाउनलोड कर लेना वीडियो को देखने के बाद। एंड गाइज हम जाएंगे ब्लेंडिंग में, खरीदेंगे हम उसको स्क्रीन, ठीक है। एंड सिंपली करेंगे डन, ठीक है। एंड उसके बाद गाइज हमें करना क्या है, फोटो कर लेनी सेव। हम ड्रॉ टूल में जाएंगे गाइज एंड फोटो कर लेंगे हम सेव, ठीक है। एंड उसके बाद गाइज हमें जाना है ऑटोडेस्क स्केच बुक में। एंड गाइज ऑटोडेस्क स्केच बुक जिसको गाइज जिसके पास नहीं है गाइज डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। एंड गाइज आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एपीके मतलब उसका प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप सिंपली से भी डाउनलोड कर वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। तो गाइज कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका जहाँ से मन करा वहाँ से डाउनलोड कर लेना। एंड गाइज मैं इसको यहाँ पर ले आऊँगा, ठीक है। तो हम जाएंगे सेटिंग में ब्रश में, ये वाला ब्रश लेंगे एंड गाइज ट्रेंजर को थोड़ा बढ़ा देंगे, ठीक है। एंड फ्लो को कम करेंगे, इन साइज को अपने हिसाब से रखेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद गाइज हम करेंगे जूम, फोटो को जूम करेंगे इस तरीके से, ठीक है। एंड उसके बाद गाइज हमें सिंपली स्लो थोड़ा सा मतलब इस तरीके से आपको कट लगाना गाइज, ठीक है, इस तरीके से। एंड गाइज आपकी मर्जी, अगर आप कट लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, नहीं तो गाइज आपको मैं मतलब मैं फोर्स नहीं करूँगा, आपकी मर्जी है गाइज, ठीक है। तो मैंने गाइज कट भी लगा लिया, तो गाइज कट लगा लिया, तो गाइज हम सिंपली इस फोटो को सेव करेंगे गाइज, ठीक है। एंड गाइज अभी तक आप सभी ने यार वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करता है क्योंकि तुम्हारा भाई इतनी मेहनत कर रहा है आप सभी के लिए, तो एक वीडियो को लाइक नहीं कर सकते यार, वीडियो को लाइक कर दो। एंड गाइज इंस्टाग्राम पे अभी तक आप सभी ने मेरे को फॉलो नहीं किया, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लेना। तो गाइज हमारी फोटो सेव हो चुकी है, ठीक है गाइज। तो हम सिंपली ऐसे करेंगे बैक एंड जाएंगे हम अपने लाइटरूम ऐप में, ठीक है। एंड लाइटरूम ऐप में जाएंगे, ठीक है। एंड लाइटरूम में जाने के बाद गाइज हम फोटो करेंगे ऐड, तो गाइज ऐड फोटो में जाएंगे, ठीक है। एंड फोटो को कर लेंगे सिंपली इस तरीके से हम ऐड, ठीक है। एंड उसके बाद जाएंगे गाइज ऑल फोटोज़ में, ठीक है। ऑल फोटोज़ में जाने के बाद गाइज हमारी फोटो आ जाएगी थोड़ी देर के अंदर, तो गाइज मतलब थोड़ा टाइम लगता ही है। तो गाइज हमारी फोटो आ चुकी है, तो गाइज हम फोटो करेंगे ऑन सॉरी गाइज ओपन। तो गाइज इसके बाद जाएंगे स्लाइड वाले ऑप्शन में एंड गाइज कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाएंगे गाइज, ठीक है। शैडो को कम करेंगे गाइज, ब्लैक को भी कम कर देंगे गाइज, ठीक है। एंड जाएंगे नीचे वाले टूल में एंड गाइज थोड़ी वाइब्रेशन को बढ़ा देंगे, मिक्स में जाएंगे, रेड कलर के ह्यू को बढ़ाएंगे, सैचुरेशन को कम करेंगे गाइज, ठीक है। ऑरेंज कलर में जाएंगे, सैचुरेशन कम करेंगे, ल्यूमिनस को बढ़ा देंगे, ठीक है। एंड जाएंगे और ये वाले येलो कलर में एंड सैचुरेशन को माइनस करेंगे, ब्लू कलर में जाएंगे, ठीक है। सेकंड ब्लू में जाएंगे, ह्यू को माइनस करेंगे और सैचुरेशन कम करेंगे, ठीक है। एंड जाएंगे नीचे वाले टूल में गाइज, ठीक है। तो गाइज क्लियरिटी को बढ़ा देंगे गाइज, ठीक है। डस्ट को थोड़ा सा बढ़ा देंगे गाइज, विगनेट तो हमें डालना है, तो गाइज विगनेट तो डालेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद गाइज ग्रेन अमाउंट को बढ़ा देंगे गाइज, ठीक है। एंड नीचे वाले टूल में जाएंगे गाइज, शार्प करेंगे फोटो को हम थोड़ी, नो डायरेक्शन को बढ़ा देंगे, मार्किंग को बढ़ा देंगे गाइज, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देंगे एंड कलर नो डायरेक्शन को। तो गाइज हमारी फोटो एडिट हो चुकी है, आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड गाइज वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो एंड गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मुझे नहीं पता गाइज चैनल सब्सक्राइब होना ही चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड गाइज अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो क्या कर रहे हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड एडिट करो मौज करो। तो गाइज मिलते हैं इंस्टाग्राम पे, तो फॉलो जरूर करना, तो चलिए बाय।